आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए नेत्रिकन नाम की एक तमिल फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। इस फिल्म को 6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 88% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म 13 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में नयनतारा आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। कहानी की शुरुआत दुर्गा नाम की एक CBI ऑफिसर से होती है। दुर्गा एक पब में जाती है जहाँ वो आदित्य नाम के एक लड़के को ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लेती है। जब आदित्य गाड़ी में दुर्गा से बात करना शुरू करता है तो हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि दुर्गा का भाई है। भले ही उन दोनों का खून का रिश्ता ना हो लेकिन वो लोग 15 साल तक एक साथ रहे थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन जैसे ही ट्रीट करते थे। दुर्गा आदित्य के हाथों में हथकड़ियाँ बांध देती है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके, लेकिन आगे चलकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसके भाई की मौत हो जाती है। इसी एक्सीडेंट के दौरान दुर्गा की आंखों में कांच चुप जाते हैं जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आदित्य जिंदा था और वो जोर जोर से दुर्गा का नाम पुकार रहा था। दुर्गा उसकी आवाज़ें सुन पा रही थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूर थी कि वो वहाँ से उठ नहीं पाई और इसी के चलते उसकी आंखों के सामने ही उसके भाई की मौत हो चुकी थी। आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ दुर्गा की नौकरी भी चली गई थी और उसके साथ साथ उसने अपने भाई को भी खो दिया था। उसका दुख इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके लिए उससे उभरना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्गा हिम्मत नहीं हारती और बड़ी ही मजबूती के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। वो एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लेती है जिसका नाम वो कना रखती है और कना हमेशा ही दुर्गा के साथ रहता है और उसे रास्ता दिखाता है। दुर्गा डॉक्टर को विजिट करती रहती है और एक रोज़ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी आंखों के लिए एक डोनर मिल गया है और 15 दिन के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही दुर्गा उस डॉक्टर के पास वापस जाती है उसे ये पता चलता है कि डोनर की आंखें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, इसीलिए उसे अगले डोनर का वेट करना होगा। दुर्गा घर पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है और अब वो काम करना चाहती है, इसीलिए वो एक बार फिर से अपने बॉस के पास जाती है ताकि वो अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर सके। दुर्गा उन लोगों से कहती है कि अगर वो चाहें तो उसे डेस्क जॉब भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसके बॉस उसे कहते हैं कि जिस तरह से उसने अपनी जॉब का गलत इस्तेमाल किया था वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था और इसीलिए वो लोग उसे डिपार्टमेंट में कभी भी वापस नहीं लेना चाहते। दुर्गा जब अपने ही डिपार्टमेंट वालों के मुंह से ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। इसके बाद जब वो कना को लेकर घर वापस जा रही होती है उसी के दौरान कना का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बाइक वाला कना को बहुत ज़्यादा चोट लगा देता है जिसकी वजह से उसकी टांगें जख्मी हो जाती हैं। दुर्गा जब कना की मरहम पट्टी करवा के घर वापस आती है तो उसे मरियम मैम की कॉल आती है। मरियम वो औरत थी जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया था और वो उसे आज अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। कना की टांगों में चोट लगी है इसीलिए दुर्गा उसे अपने साथ नहीं ले जाती है और वो अकेले ही मरियम से मिलने के लिए निकल जाती है। इसी के साथ साथ हमें एक दूसरी कहानी पैरेलल चलती हुई दिखाई जाती है जहाँ पर सोफिया अपने माँ के साथ बात कर रही है। सोफिया की माँ उसके लिए खाना बना रही है लेकिन सोफिया अपनी माँ से कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड रेनू के साथ एक मूवी देखने जाना है और इसीलिए वो आकर खाना खा लेगी। सोफिया की माँ के मना करने के बावजूद भी सोफिया बिना खाना खाए ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है उसे वहाँ एक अनजान लड़का खड़ा दिखाई देता है। उस लड़के को देख कर सोफिया अचानक से डर जाती है। वो लड़का अपने फ़ोन में सोफिया को एक वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि अगर सोफिया उसके साथ नहीं चली तो वो उस वीडियो को उसकी माँ को दिखा देगा। सोफिया पहले तो उस इंसान का विरोध करती है लेकिन जैसे ही वो उसकी माँ को वो वीडियो दिखाने की बात करता है वो चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सोफिया गाड़ी में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही है और इसके बाद वो इंसान उसे एक पानी की बोतल ऑफर करता है। सोफिया जैसे ही उस पानी की बोतल में से पानी पीती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सोफिया उस रात के बाद कभी घर वापस ही नहीं आई थी और उसकी माँ पुलिस स्टेशन में जाकर उसके लिए रिपोर्ट लिखवाती है। रेनू और सोफिया की माँ से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है दुर्गा पर जो कि मरियम मैम से मिलने गई है। दुर्गा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है उसके मन में आदित्य और बाकी के बच्चों की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। मरियम दुर्गा को एक डिवाइस गिफ्ट करती है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। वो दुर्गा से कहती है कि इस डिवाइस के जरिए वो लोगों का पता लगा सकती है, क्योंकि जैसे ही उसके आसपास कोई लोग होंगे ये डिवाइस जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा। दुर्गा उस डिवाइस को लेने से इनकार कर देती है और थोड़ी ही देर में आदित्य को लेकर उन दोनों की बहस हो जाती है। दुर्गा मरियम मैम की बातों का इतना ज़्यादा बुरा मान लेती है कि वो गुस्से में अकेली ही वहाँ से निकल जाती है। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इसीलिए दुर्गा को वहाँ पर कैब नहीं मिलती। दुर्गा बस स्टॉप पर बहुत देर तक वेट करती रहती है लेकिन कोई भी कैब वाला उसकी राइड लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। इस तरह से इंतज़ार करते करते दुर्गा को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है।
तभी वहां से वो इंसान गुजरता है जिसने सोफिया को किडनैप किया था, और जैसे ही वो दुर्गा को देखता है उसे अपना अगला शिकार मिल जाता है। वो बड़ी ही चालाकी के साथ दुर्गा के सामने गाड़ी रोक देता है, और दुर्गा जो कि देख नहीं सकती उसे ये लगता है कि ये उसकी टैक्सी वाला है। दुर्गा जब उससे ये सवाल करती है कि क्या वो टैक्सी सर्विस से है, तो उसे ये मौके जैसा लगता है और इसीलिए वो हाँ कह देता है। दुर्गा भी आकर उसकी टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सीट को हाथ लगाती है उसे ये पता चल जाता है कि ये कोई महंगी गाड़ी है और इसीलिए ये टैक्सी तो हो ही नहीं सकती। दुर्गा खिड़की खोलती है जिसकी वजह से कि गाड़ी के अंदर पानी आ जाता है। वो किडनैपर बड़ी ही चालाकी के साथ दुर्गा को टिश्यू के साथ साथ वही वाटर बॉटल दे देता है जो कि उसने सोफिया को दी थी। दुर्गा टिश्यू से अपने आप को साफ करती है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगती है उसे पानी से कुछ अलग सी स्मेल आती है, इसीलिए वो उस पानी को पीने से इनकार कर देती है। किडनैपर जो कि दुर्गा को किडनैप करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, वो बार बार उसे पानी पीने के लिए फोर्स करने लगता है। इसी तरह से फोर्स करते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है वो ये देखता है कि उसकी गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, और वो उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेता है। दुर्गा को धीरे धीरे ये लगने लगता है कि वो खतरे में है, इसीलिए उसके बैग से जो जो सामान गिरा हुआ है वो उस सामान को दोबारा से उठाकर अपने बैग में रख लेती है। दुर्गा गाड़ी से बाहर निकलकर उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी गाड़ी के सामने किसका एक्सीडेंट हुआ, जिस पर वो कहता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया था। दुर्गा उसकी बातों से ये समझ जाती है कि वो उससे झूठ कह रहा है, क्योंकि उसने कहा कि गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ गया है, लेकिन जिस तरह की आवाज़ उसने सुनी है उसके अनुसार गाड़ी के ऊपर से होकर कुछ गुजरा था। दुर्गा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो किडनैपर उसके हाथों से फ़ोन छुड़ाकर वहीं रोड पर पटक देता है। किडनैपर पूरी ताकत के साथ दुर्गा को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि दुर्गा एक CBI ऑफिसर है और मार्शल आर्ट जानती है, इसीलिए वो उसे ऐसा नहीं करने देती। थोड़ी ही देर में किडनैपर को ये समझ आ जाता है कि दुर्गा के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, और इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद दुर्गा मरियम के साथ पुलिस स्टेशन जाकर इस हादसे की रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन क्योंकि दुर्गा देख नहीं सकती इसीलिए पुलिस स्टेशन में उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। इस केस को मणिकंदन नाम के एक सब इंस्पेक्टर को दिया जाता है, जिसके बारे में सबको यही लगता है कि वो किसी भी केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। मणिकंदन जब दुर्गा की स्टेटमेंट लेता है तो वो भी उसे सीरियस नहीं लेता, जिस पर दुर्गा उसे बहुत बुरी तरह से डांटती है। दुर्गा मनी को डांटते हुए कहती है कि वो अंधी ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो किडनैपर के बारे में उसे बहुत सी बातें बता सकती है, जैसे कि किडनैपर की उम्र 35 से 40 साल थी, उसकी हाइट 6 फुट थी और उसका वज़न 70 से 80 किलो का था। साथ ही उस किडनैपर की गाड़ी के आगे किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि गाड़ी के बम्पर को भारी नुकसान हुआ था। गाड़ी से उतरने से पहले उसने डिक्की के बंद होने की आवाज़ सुनी थी, यानी कि जिस किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हुआ था उसने उसे उठाकर डिक्की में भर दिया था। दुर्गा जिस कॉन्फिडेंस के साथ मनी को ये सब बताती है, मनी को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि अंधा होने के बावजूद भी उसने इतना सब नोटिस कैसे कर लिया। दुर्गा जब गाड़ी में थी तो वो अपना सारा सामान ले तो गई थी, लेकिन उसका ID कार्ड वहीं पर रह गया था। ये ID कार्ड अब किडनैपर के हाथों लग जाता है, जिस पर कि दुर्गा का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। किडनैपर अब सारा दिन दुर्गा के बारे में ही सोचता रहता है। अगर हम ऐसा कहें कि वो दुर्गा को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। दुर्गा के बारे में सोचते हुए वो किडनैपर एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि सोफिया के साथ साथ उसने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया है। वो हर रोज़ उन लड़कियों के साथ रेप करता है और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारता है। बाकी के पुलिस ऑफिसर्स जहाँ सोफिया के केस के साथ बिजी हैं, वहीं मनी को दुर्गा का केस दिया जाता है। मनी क्योंकि दुर्गा की बातों पर भरोसा करता है, इसीलिए वो भी पूरी मेहनत के साथ इस केस पर जुट जाता है और ऐसी गाड़ियों की तलाश करता है जिनके बम्पर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। मनी जब दुर्गा के बारे में रिसर्च करता है तो उसे ये पता चलता है कि दुर्गा ex-CBI ऑफिसर थी। इस वक्त मनी के पास अगर आंखें थी तो दुर्गा के पास ऐसा दिमाग था जो कि मनी की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता था। मनी अब केस के सिलसिले में दुर्गा से रोज़ मिलने लगता है और वो उसे ये ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो इस केस में उसकी मदद कर सकती है। मनी जब गाड़ी के बारे में पता करने गया था तो उसने अपने इन्फॉर्मर्स के हाथों ये इन्फॉर्मेशन लीक करा दी थी कि जो इंसान उस गाड़ी के बारे में बताएगा वो उसे पैसे देगा। पैसों की बात सुनकर एक डिलीवरी बॉय पुलिस स्टेशन आता है और वो मनी से मिलने की जिद करता है। इस डिलीवरी बॉय का नाम गौतम है और वो मनी से कहता है कि उस रोज़ उस रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी की स्कूटी के साथ हुआ था। उस रोज़ जब वो किडनैपर दुर्गा को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में जा रहा था तो उसकी गाड़ी के साथ उस डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था। उस डिलीवरी बॉय ने उस किडनैपर की शक्ल देखी थी और वो इकलौता इंसान था जो उसे पहचान सकता था।
गौतम आगे बताते हुए कहता है कि उस रोज उस इंसान ने उसका एक्सीडेंट किया था और वो कोई टैक्सी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार थी। दुर्गा को अब ये लगता है कि गौतम शायद पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो टैक्सी ही थी। गौतम अब दुर्गा के साथ बदतमीजी करने लगता है और वो उसे कहता है कि पुलिस वालों को एक अंधी लड़की पर भरोसा है, ना कि एक ऐसे इंसान पर जिसकी खुद की आंखें हैं। मनी जब गौतम को दुर्गा से ऐसे बात करते हुए देखता है तो वो फटकार लगाकर उसे वहां से भगा देता है। किडनैपर अब हर जगह पर दुर्गा का पीछा कर रहा है और जैसे ही वो दुर्गा और उस डिलीवरी बॉय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता है, उसे ये लगता है कि डिलीवरी बॉय उसे आइडेंटिफाई करने वाला है। मनी और दुर्गा जब टैक्सीज ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो दुर्गा को ये लगने लगता है कि हो सकता है कि वो डिलीवरी बॉय सच कह रहा हो, यानी कि उस रात जिस गाड़ी में वो बैठी हो सकता है कि वो कोई टैक्सी ना होकर कोई प्राइवेट कार हो। दुर्गा और मनी अब बार बार गौतम को कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन वो किडनैपर अब गौतम का पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर चलने पर ही गौतम को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। गौतम गलियों में भागते हुए छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो किडनैपर उसे ढूंढ लेता है और बहुत ही बुरी तरह से मारकर कचरे में फेंक देता है। जैसे ही वो औरत फ़ोन बजता हुआ सुनती है, उसे कचरे में पड़ा हुआ गौतम भी मिल जाता है। मनी और दुर्गा जैसे ही गौतम के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गौतम वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में है। गौतम को देखकर दुर्गा को आदित्य की याद आती है और इसीलिए वो उसका दिन रात बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल में जैसे ही गौतम की आंख खुलती है और वो दुर्गा को वहाँ पर देखता है तो वो उसे फिर से भला बुरा सुनाने लगता है। इस बार दुर्गा बहुत भावुक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो मनी से कहती है कि इस केस में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन जाने से पहले दुर्गा मनी को एक क्लू देती है। वो उससे कहती है कि उस रात जिस किडनैपर ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, ये वही इंसान है जो आजकल शहर में लड़कियों को अगवा कर रहा है, यानी कि उसका केस और सोफिया का केस आपस में जुड़ा हुआ है। क्योंकि किडनैपर के पास दुर्गा का फ़ोन नंबर था, इसलिए वो बार बार उसे कॉल करने लगता है। दुर्गा जैसे ही किडनैपर की आवाज़ सुनती है, वो उसे पहचान लेती है। किडनैपर अब दुर्गा से कहता है कि वो उससे बुरी तरह से ऑब्सेस हो चुका है और वो दुर्गा को पाना चाहता है। इस बात को लेकर जब दुर्गा उसे चैलेंज करती है तो किडनैपर उससे कहता है कि पहले तो वो गौतम को मारेगा और उसके बाद उसे किडनैप करके हासिल कर लेगा। दुर्गा जैसे ही ये सुनती है कि वो गौतम को जान से मारने वाला है, वो गौतम को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उससे इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कि वो उसकी कॉल काट देता है। दुर्गा उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल तक जाती है, लेकिन गौतम वहाँ पर भी उसे अनसुना कर कर वहाँ से भाग जाता है। आखिर में दुर्गा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर गौतम उसे देख लेता है, लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग दुर्गा को वहीं पर अकेला छोड़ देंगे। दुर्गा वहां से कना के साथ ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन गौतम जैसे ही ये देखता है कि वो किडनैपर भी उसी के सामने वहां पर बैठा हुआ है तो वो दुर्गा को कॉल करने लगता है। वो दुर्गा को कॉल करता है और उसे बड़ी ही चालाकी के साथ वीडियो कॉल करके ईयरप्लग लगाने के लिए कहता है। दुर्गा जैसे ही वीडियो ऑन करती है, गौतम उसे बताता है कि किडनैपर ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ है। वो और कना दोनों ही किडनैपर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किडनैपर उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो दुर्गा को वहां से लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी कना उस पर हमला कर देता है। किडनैपर कना से छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जब कना उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी करने लगता है तो वो चाकू के साथ उसे बार बार घूम कर जान से मार देता है। किडनैपर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो दुर्गा को वहाँ से लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए वो कना और दुर्गा को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हाउसकीपिंग वाले जब दुर्गा को इस हालत में देखते हैं तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस हादसे के बाद पुलिस वालों को इस बात पर पूरा भरोसा हो जाता है कि मनी हमेशा से सही ही कह रहा था, यानी कि दुर्गा और सोफिया का केस एक ही था और इसीलिए वो लोग गौतम की मदद लेकर उस किडनैपर का स्केच बना देते हैं। पिछली बार जिस तरह से दुर्गा ने गौतम का ध्यान रखा था, इस बार ठीक वैसे ही गौतम दुर्गा का ध्यान रखता है। जैसे ही दुर्गा बेहोशी से उठती है और उसे ये पता चलता है कि कना अब जिंदा नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। मनी को फोरेंसिक्स से कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि जो ड्रग दुर्गा को दिया गया था वो प्रोपोफॉल था। जिस भी इंसान ने ये ड्रग दुर्गा को दिया था, उसने उसे सीधा सर्विकल नर्व में दिया था, यानी कि किडनैपर जो कोई भी था वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर था और वो ये समझता था कि इस ड्रग को किस तरह से देने का उसका असर अच्छे से होगा। इसके बाद हमें किडनैपर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर जेम्स है और वो प्रोफेशन से गायनोकोलॉजिस्ट है। मनी, गौतम और दुर्गा अब शुरुआत से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और वो लोग सबसे पहले सोफिया की माँ और उसकी दोस्त से मिलने जाते हैं। दुर्गा इस बार जब रेणुका से सवाल करती है तो वो उसे कहती है कि उसे उसके बारे में पर्सनल से पर्सनल बात बतानी होगी।
रेणुका पहले तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है, लेकिन वो उसके बाद सबके सामने ये कहती है कि सोफिया असल में प्रेग्नेंट थी। उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो सोफिया को प्रेग्नेंट करके खुद USA चला गया, और इसीलिए सोफिया ने एक अबॉर्शन कराया था। उन लोगों को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही किडनैपर है। जब लोग रेणुका से उस डॉक्टर के बारे में सवाल करते हैं तो रेणुका उन्हें कहती है कि वो उस डॉक्टर से एक एजेंट के थ्रू मिले थे। एजेंट सोफिया को ब्लाइंड फोल्ड करके वहाँ से लेकर गया था, और उसके बाद उसने इलाज करके उसके वापस वहीं पर छोड़ दिया था। क्योंकि वो लोग रेणुका की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए दुर्गा इस पूरे ऑपरेशन के लिए वॉलेंटियर करती है, और वो उनसे कहती है कि इस बार वो एजेंट से मिलेगी। दुर्गा इस पूरे ऑपरेशन के लिए वॉलेंटियर करती है और वो एजेंट के साथ वैन में बैठकर वहां से निकल जाती है। गौतम बड़ी ही चालाकी के साथ उस वैन का पीछा करता है, और साथ ही मनी भी पुलिस फोर्स के लिए वहां पर उनके साथ आने वाला है। लेकिन पीछा करते करते गौतम को ट्रैफिक पुलिस वाले रास्ते में ही रोक लेते हैं। गौतम से वो वैन मिस हो जाती है, और उसके बाद वो मनी की मदद से वहां से निकल तो जाता है, लेकिन वो वैन को नहीं ढूंढ पाता। गौतम ने उस वैन की एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी, और वो इस फ़ोटो को अपने दोस्तों के एक ग्रुप में डाल देता है, और उन लोगों से कहता है कि वो उस वैन को ढूंढने में उसकी मदद करें। दुर्गा वहां पर पहुंच चुकी है, और जैसे ही वो डॉक्टर को अकेला देखती है वो उसके सामने अपना पूरा प्लान खोल देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गौतम और मनी तो वहां पर पहुंचे ही नहीं हैं। किडनैपर बहुत ही बुरी तरह से उसे मारने पीटने लगता है कि तभी गौतम के दोस्तों में से एक दोस्त ग्रुप पर उस वैन की लोकेशन डाल देता है। दुर्गा बड़ी ही चालाकी के साथ डॉक्टर जेम्स के गले में ठीक वही इंजेक्शन लगा देती है जो कि उसने उसके गले में लगाया था। उस ड्रग्स के नशे की वजह से जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है, और गौतम और उसके दोस्त उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर जेम्स को पुलिस की कस्टडी में ले जाया जाता है, जहां उसे ट्रूथ सीरम दिया जाता है। डॉक्टर्स उस सीरम की मदद से उससे सच खुलवाने की कोशिश करते हैं, और वो बार बार एक ही लड़की का नाम ले रहा है जिसका नाम नैन्सी था। जब उससे ये पूछा जाता है कि आखिर नैन्सी कौन है, तो वो उन्हें बताता है कि नैन्सी उसकी पत्नी का नाम है। वो दोनों 2 साल तक शादीशुदा थे और सब काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके गायनोकोलॉजिस्ट होने की वजह से वो सेक्स में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि फीमेल पार्ट से वो इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुका था कि कुछ भी उसे अराउज ही नहीं करता था। वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, और उन दोनों के बच्चे भी नहीं हो सकते थे, और इस बात को लेकर नैन्सी उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जेम्स अपनी बीवी पर शक करने लगता है। वो अपने घर में एक कैमरा इंस्टॉल कर लेता है, और नैन्सी की हर एक छोटी मोटी हरकत पर नज़र रखता है। जब भी नैन्सी घर से बाहर जाती तो उसे यही लगता कि नैन्सी किसी और से मिलने जा रही है, और उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसी तरह से एक रोज़ जब नैन्सी घर वापस आती है तो इसी बात पर उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। नैन्सी उसे कहती है कि वो उससे इतनी ज़्यादा परेशान आ चुकी है कि वो उससे तलाक लेना चाहती है। वो नैन्सी को चुप कराने के लिए उसे धक्का देता है, और नैन्सी का सर सीधा दीवार पर लगी कील पर जाकर लगता है। सर पर चोट लगने की वजह से नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और वो फर्श पर पड़े रहकर तड़पना शुरू करती है। जेम्स जैसे ही नैन्सी को तड़पते हुए देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और इतने सालों में ये पहली बार था कि वो अराउज महसूस करता है, और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसे लोगों को तकलीफ में देखकर मज़ा आता है। जैसे ही वो नैन्सी को इस हालत में देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले जब उसकी ऐसी बातें सुनते हैं तो उन लोगों को उस पर घिन आने लगती है। वो लोग उसके सामने कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ रखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लड़कियाँ कहाँ पर हैं। वो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और वो सबसे यही कहता रहता है कि उसे नैन्सी को एक बार फिर से देखना है। सबको उसकी ये बात काफ़ी ज़्यादा बेबुनियादी लगती है, क्योंकि नैन्सी की तो मौत हो चुकी थी। लेकिन इस पर जेम्स उनसे कहता है कि नैन्सी कहीं भी नहीं गई है, और वो उन लोगों के बीच में ही है। जब उसके वॉलेट में से नैन्सी की फ़ोटो निकाली जाती है तब ये पता चलता है कि नैन्सी की शक्ल असल में दुर्गा से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। यही वो वजह थी कि उस रात जब उसने पहली बार दुर्गा को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसके बाद उसने उसे किडनैप करने की कोशिश की। पुलिस वालों के मना करने के बावजूद भी दुर्गा वहां पर आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे उन लड़कियों के बारे में पूछती है जिन्हें उसने किडनैप किया था, जिस पर जेम्स उनसे कहता है कि वो दुर्गा के साथ एक रात बिताना चाहता है, और उसके बाद वो सब लड़कियों के बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा। जेम्स अब उनसे कहता है कि उसने 12 लड़कियों को किडनैप किया है, अगर हो सके तो वो उन्हें ढूंढने जा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। दुर्गा और पुलिस वालों को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि जेम्स कुछ भी नहीं बताने वाला, इसीलिए उन लोगों को खुद ही उन लड़कियों को ढूंढना होगा। इस पूरे केस की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मनी को दे दी जाती है, और इसके साथ ही गौतम और दुर्गा मैम मरियम के यहाँ चले जाते हैं। जेम्स जब जेल में था तो वो ये समझ चुका था कि ये सब लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले हैं।
वो अपना सर बार बार दीवार से पटकने लगता है और वो मनी से कहता है कि वो जेल के अंदर ही अपनी जान दे देगा। पुलिस वाले बार बार मनी को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि जेम्स नाटक कर रहा है। मनी जब जेम्स को इस तरह से खुद को हर्ट करते हुए देखता है तो मनी अपने आप को रोक नहीं पाता और लॉकअप खोल देता है। जेम्स बड़ी ही चालाकी के साथ मनी के साथ साथ बाकी के पुलिस वालों को भी जान से मार देता है और वो मनी का फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जेम्स मनी के फ़ोन से गौतम को मैसेज करता है और उसकी और दुर्गा की लोकेशन पूछता है। गौतम को ये लगता है कि शायद मनी उन दोनों से मिलना चाहता है, इसीलिए वो अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर कर देता है। जेम्स जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो सबसे पहले गौतम को ज़ख्मी करता है। उसके बाद वो दुर्गा को पाने की कोशिश करता है लेकिन दुर्गा बार बार उससे बचकर निकल जाती है। आखिर में जब वो गौतम को जान से मारने ही वाला होता है तो दुर्गा को ठीक वैसा ही लगता है जैसा उसे आदित्य के वक्त लगा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मंजर घूमने लगता है जब आदित्य उससे अपनी जान बचाने के लिए कह रहा था। दुर्गा बड़ी हिम्मत करके उठती है और अपने हाथों में ईंट उठाकर उस गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। गाड़ी का शीशा टूटते ही गाड़ी का अलार्म बजने लगता है और ये देखकर जेम्स उसके पास आता है। फिल्म की शुरुआत में मरियम दुर्गा के लिए जो सेंसर लेकर आई थी गौतम ने वो सेंसर दुर्गा को दे दिया था। दुर्गा उस सेंसर को ऑन करती है और अपने हाथों में ईंट लेकर किडनैपर के सर पर बार बार उससे वार करती है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। 12 की 12 लड़कियों को बरामद कर लिया जाता है और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मरने से पहले मनी ने अपने पेन में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने ये कहा था कि वो अपनी आंखें दुर्गा को डोनेट करना चाहता है। दुर्गा की आंखें ठीक हो जाती हैं और अब वो देख सकती है। CBI भी उसे वापस ले लेती है और इसके साथ ही हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। आई थिंक ये कहानी बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा करती है। पहली ये कि हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा सिक हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप बहुत ही समझदारी के साथ चुनिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।